नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 में व्यादेश की बातें कही गई। व्यादेश का मतलब होता है किसी कार्य को करने या न करने का आदेश। सीपीसी ऑर्डर 39 रूल 3 में कहा गया कि व्यादेश देने के पूर्व विरोधी पक्षकार को सूचना देना आवश्यक है, परंतु अपवाद परिस्थितियों में मौके की स्थिति देखते हुए अगर लगता है कि अगर व्यादेश पर सुना नहीं गया, कोई आदेश नहीं किया गया, तो वाद का उद्देश्य विफल हो जाएगा और विरोधी पक्ष कुछ भी नुकसान को पहुंचा सकता है। ऐसी अवस्था में व्यादेश पर सुन करके तुरंत ऑर्डर न्यायालय कर देती है और आवेदक से कहती है कि वह तुरंत दूसरे दिन विरोधी पक्षकार को आवेदन के साथ शपथ पत्र एवं दावे की प्रति एवं उससे संबंधित दस्तावेज को विरोधी पक्षकार को रजिस्ट्रीकृत करें और तुरंत शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को यह सूचना दे कि उसने विरोधी पक्षकार को ये सब दस्तावेजें भेज चुकी है। इसका शपथ पत्र आवेदक को न्यायालय के सामने दूसरे दिन देना होता है। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।